तो दोस्तों, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई डरावना सपना देखते हो, जैसे कि अगर आपने देख लिया कि सपने में आपकी मौत हो गई है, तब आप बहुत ही घबरा कर अपनी नींद से जाग जाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, कि क्यों हम सपने में अपने मरने के बाद का दृश्य नहीं देख पाते? नहीं ना दोस्तों, कोई भी नहीं जानते कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। हमारा शरीर भले ही शहीद हो जाए, लेकिन हमारे अंदर का ऑरा, हमारे अंदर की आत्मा, उसके साथ क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। बहुत बार आप ऐसे सपने देखकर घबरा भी जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे सपने आपके नए सफर की शुरुआत दर्शाते हैं, क्योंकि दोस्तों मौत ही आपके नए सफर की एक पहली शुरुआत होती है। तो क्यों है ना ये एक सोचने वाला फैक्ट। ऐसे ही सोचने वाले फैक्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल फैक्ट टीवी पे। तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 7 के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा भारत देश पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहाँ अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इस दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिसमें से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, पर फिर भी उन सभी देशों की तुलना में हम उनकी राष्ट्रभाषा पर राज करते हैं। क्यों है ना ये खुद पर गर्व महसूस करने वाली बात। दोस्तों, 2012 की गिनती के अनुसार हमारे देश में कुल 125 मिलियन लोग हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ये हमारे जनसंख्या के सिर्फ 10% है। तो आप भी सोचिए कि हमारे देश में और कितने ज़्यादा लोग होंगे जो कि अंग्रेज़ी बोल सकते होंगे, और अगर हमारे देश के नौजवान और तरक्की करें तो हो सकता है कि हम अमेरिका से भी आगे निकल जाए और अव्वल स्थान पर आ जाए। क्यों है ना ये बहुत मज़ेदार बात। तो चलिए अभी इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट पर। अब आ रही है फैक्ट नंबर 6 की। तो दोस्तों, ये फैक्ट है अब द बोर्ड गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर के बारे में। जी हाँ, द बोर्ड गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर यानी कि सांप सीढ़ी। लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं और हम अभी भी लॉकडाउन में ही है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी हमने अपना बहुत मनोरंजन किया है लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेल खेलकर। क्या आपको पता है इन दोनों खेलों का आविष्कार कहाँ हुआ है? दोस्तों, इन दोनों खेलों का आविष्कार प्राचीन भारत में ही हुआ है। अगर बात करें सांप सीढ़ी की, तो क्या आप जानते हैं कि इस खेल का आविष्कार 13वीं सदी में महान संत ज्ञानदेव ने किया है? उस समय इस खेल की पहचान मोक्ष पदम इस नाम से थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस खेल में कितने सांप और कितनी सीढ़ियाँ होती है? नहीं ना दोस्तों, इस खेल में 9 सीढ़ियाँ और 10 सांप होते हैं। क्यों है ना एक मजेदार फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। मैग्नेट और रिसेप्शन, जिसे हिंदी में चुंबकत्व कहते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी भावना है जो कि किसी जानवर या किसी पंछी को दिशा, ऊंचाई या स्थान का अनुभव करने के लिए और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ये जानवरों तथा पक्षियों के अंदर की एक ऐसी सेंस है, मतलब ऐसी भावना है, जो कि उन्हें अपने साथियों के स्थान का पता करने के लिए मदद करती है, और उनका दिमाग कंपास जैसा काम करता है जो कि उन्हें अपने दल से भटकने से बचाता है। दोस्तों, यह कला मधुमक्खियाँ, दीमक तथा चींटियों में भी पाई जाती है। इतना ही नहीं, यह भावना पानी में रहने वाले जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तथा बहुत से भटकते हुए पंछी और जानवरों में भी पाई जाती है। तो अगर सोचा जाए कि इंसान के पास भी इतने आधुनिक उपकरण हैं जिसे वो किसी के भी स्थान का पता लगा सकते हैं, तो जानवर तथा पंछी भी हमसे इस बात में कोई कम नहीं है। क्यों है ना दोस्तों एक सोचने वाला फैक्ट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। तो बारी है फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभ मेला इस पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है? और आप ये तो जानते ही होंगे कि कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसमें 3 पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका त्रिवेणी संगम होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुंभ मेला अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट यानी कि कार्टोसैट 2 से ये कुंभ मेला देखा गया है। अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला 2011 में आयोजित हुआ है, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। क्यों दोस्तों, है ना ये एक चौंका देने वाला फैक्ट। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे भारत की कितनी महान संस्कृति है। तो दोस्तों, अगले फैक्ट्स के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत देश में रोज जितने लोग रेलवेज में सफर करते हैं, उतनी ही कुल ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में रोज लगभग 12,500 ट्रेनें चलती है, जिनमें लगभग 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान आबादी है।
क्यों दोस्तों, है ना ये एक बहुत मजेदार फैक्ट। दोस्तों आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि हमारे भारत देश में कुछ तो ऐसी बात है जो हमें औरों देशों से बहुत अलग बनाती है, इसलिए तो कहते हैं कि मेरा भारत महान है। तो अब बारी हमारे अगले फैक्ट की, तो आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग से किसी क्रिया के लिए जो प्रतिक्रिया निकलती है उसकी गति क्या होती है? दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे जब ये आंकड़े सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस प्रतिक्रिया के रूप में जो इम्पल्स हमारी नसों से ट्रेवल करते हैं उनकी गति लगभग 268 मील प्रति घंटे की होती है, मतलब ही लगभग 430 से 440 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये तो एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है। इट्स साउंड्स क्रेजी बट इट्स ट्रू। दोस्तों हमारे शरीर के नर्व सेल्स जो कि इन सिग्नल्स को दिमाग तक और दिमाग से एक प्रतिक्रिया के रूप में इम्पल्स के द्वारा पहुँचाने में मदद करते हैं, इन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्योंकि इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, जो कि इस क्रिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेल्स है। क्यों है ना दोस्तों, एक बहुत हक्का बक्का करने वाला फैक्ट। तो दोस्तों अब है आज का एक सस्पिशियस फैक्ट, तो अब बारी है फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों क्या आपको पता है कि नर प्रजाति यानी कि मेल्स भी बच्चों को जन्म देते हैं? ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे दोस्तों, जैसे कि पहले मैं चौंक गया था, लेकिन यही सच है। मेल सी हॉर्स जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, वो एक टाइम लगभग 1000 से 1500 बच्चों को जन्म देता है। दोस्तों फिशेस की फैमिली में लिफी सी ड्रैगन और पाइप फिश, ये और दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें नर प्रजाति ही बच्चों को जन्म देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेल सी हॉर्स के पेट में एक पाउच होता है जिसमें फीमेल सी हॉर्स अपने एग्स डालती है। तो जैसे वह एग्स मेल सी हॉर्स के अंदर प्रवेश करते हैं तब वह पाउच का द्वार बंद कर देता है, और तब मेल सी हॉर्स शुक्राणु नामक एक रासायनिक फ्लूइड छोड़ता है जो कि उन एग्स के साथ मिलकर एक नया सी हॉर्स बनाता है जिसे फ्राई कहते हैं। लगभग 20 से 25 दिन के बाद जब उन बच्चों की पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाती है तब मेल सी हॉर्स उन सभी बच्चों को जन्म देता है। कुछ कुछ मेल सी हॉर्स की प्रजातियाँ एक समय में लगभग 1800 बच्चों को भी जन्म दे सकती है। दोस्तों है ना एक बहुत रहस्यमय फैक्ट। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहेंगे।